पहले धर्मांतरण को लेकर सड़कों पर उठे और अब किसान और खाद की कमी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी को क्रमशः सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए, उनको सड़कों पर रहना ही चाहिए। उनकी प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के जो अनर्गल प्रलाप किया था, उनके प्रभारी शिव प्रसाद जी ने इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसान चेहरा होना है और किसान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पुरंदेश्वरी जी आके कहती हैं कि किसानों के ऊपर भाजपाई थूक देंगे, तो ये दुर्भाग्यजनक बयान से उबरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है। इसलिए मुद्दे को वो टर्न डाउन करना चाहती, चेंज करना चाहती है और धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे, जिसमें छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि लगभग शून्य ही है धर्मांतरण होना, आज तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दिग्गज ने किसी भी थाने में जा कर के ये रिपोर्ट नहीं लगवाई है या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है कि कहाँ कितना फोर्सफुली धर्मांतरण का काम हो रहा है। डॉक्टर रमन सिंह तो ये जवाब देने में भी असफल हैं कि उनके कार्यकाल में लगातार चर्च क्यों बनाए जा रहे थे और धर्मांतरण की क्या स्थिति थी। ये केवल विषय से भटकाने के लिए, लोगों के ध्यान को भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के बयान और आंदोलन उन्होंने शुरू किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि 200 लोगों की राज्य का कहना है कि धर्मांतरण आपके समय ज्यादा हुआ है, चर्च ज्यादा बने हैं। अगर धर्मांतरण हुआ तो उसकी FIR क्यों दर्ज नहीं करा रही बीजेपी? FIR दर्ज है एफिडेविट के साथ में पुरानी बस्ती थाने में रायपुर के SP को। अभी कल ही सरायपाली की घटना है, वहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के घर में धर्मांतरण का प्रकरण पकड़ा गया, पुलिस ने कार्रवाई की है। ये क्यों नहीं कर रही है? और थानों में जगह जगह पर शिकायत है, धर्मांतरण की शिकायतों में धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं कर रही, और अपराध दर्ज नहीं करके बोलते हैं क्यों आप कार्रवाई नहीं करवा रहे। तो कार्रवाई करने का अधिकार तो सरकार के पास है ना, हमारे पास थोड़ी है। ये कार्रवाई सरकार को करनी है। हम तो कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा शिकायतें पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में की गई हैं, उनके ऊपर में एक में भी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। और रायपुर की घटना तो अपने आप में साक्ष्य है कि एक वर्ग विशेष के नेता कहते हैं कि अनुच्छेद 25 में हमको धर्मांतरण का अधिकार है, नहीं है तो संविधान को जला दो। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? ये मीडिया में सब जगह वीडियो चल रहा है, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कौन रोक रहा सरकार को कार्रवाई करने से? ये सरकार धर्मांतरण को संरक्षण दे रही है। और आने वाले समय पर मैं तो कहता हूं कि ये सरकार आग से खेल रही है। सुकमा के SP लिखते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को कि धर्मांतरण के मामलों को आप संज्ञान में लें, उसमें ध्यान रखें, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। स्थान स्थान पर इसको लेकर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश स्तर के पूरे नेता, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद सब सड़कों पर निकलते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? बैठक भी लेने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।